तो इंस्टाग्राम में अभी कुछ इस तरह का देख सकते हैं, कलर स्विच वीडियो एडिटिंग काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो इस तरह का वीडियो आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आप भी कुछ इसी तरह का वीडियो क्रिएट करेंगे और कुछ इस तरह के आप भी अगर एडिट करेंगे और रील्स पर अपलोड करेंगे तो आपका भी रील्स वीडियो 100% वायरल होने का चांस रहेगा, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं हर एक वीडियो पर करीब यहाँ पर मिलियन व्यूज चला गया और यहाँ पर 3.3 मिलियन के करीब यहाँ पर इस इफेक्ट पर रील्स बनाया गया है। तो इस तरह का आप भी क्रिएट करके अपने वीडियो को वायरल कर सकते हैं। और इस तरह का मैं आपको दो तरीके से एडिट करके दिखाऊंगा। पहला तो आप इसे इंस्टाग्राम से भी बना सकते हैं इफेक्ट यूज करके, नहीं तो आप कुछ इस तरह का एडिटिंग भी कर सकते हैं। तो आज मैं आपको दोनों तरीके बताऊँगा, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के चलिए आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो इस तरह का वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले मैं आपको इंस्टाग्राम से कैसे बनाया जाता है मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं इंस्टाग्राम ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं मैं इंस्टाग्राम ओपन कर लिया हूँ। ओपन करने के बाद आप ओवरला वीडियो पे चले जाते हैं। तो यहाँ पर मैं सेव किया हूँ तो सेव पे चले जाते हैं और यहाँ से ये वाला वीडियो ले लेते हैं। तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप वीडियो का सॉन्ग डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ वाला रील से देख सकते हैं और यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको पहले आपको म्यूजिक में चले जाना है और यहाँ पर यूज ऑडियो पर चले जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पर इफेक्ट में चले जाना है। इफेक्ट में जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर इफेक्ट में जाने के बाद आपको यहाँ पर सर्च बार में जाना है और यहाँ पर कलर स्विच या स्विच भी सर्च कर सकते हैं। सर्च करने के बाद आपको देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। उसके बाद आपको ये वाला इफेक्ट का आपको डाउनलोड कर लेना है, सॉरी सेव कर लेना है। यहाँ पर सेव करेंगे तो कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा, देख सकते हैं। यहाँ से अगर आप वीडियो बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। उसके बाद अगर आप वीडियो नहीं बनाना है तो यहाँ से आपको इसे सेव कर लेना है कुछ इस तरह। उसके बाद आपको यहाँ पर बैक आ जाना है, पूरा कट कर लेना है आपको। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, रील्स पे चले जाना है, पूरा मैं प्रोफाइल पे चला जाता हूँ अपना। उसके बाद आपको यहाँ पर प्लस पर क्लिक करके आपको रील्स पे चले जाना है और यहाँ पर आपको फिर से आपको अपना फोटो ऐड कर लेना है। जो भी आप फोटो ऐड करना चाहते हैं यहाँ पर अपना फोटो ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कोई भी एक फोटो ऐड कर लेता हूँ। तो वाला फोटो में ऐड कर लिया हूँ, देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको फुल स्क्रीन कर लेना है और ऐड पर क्लिक कर लेना है। ऐड पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एरो पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर इफेक्ट में चला जाना है और ये वाला इफेक्ट आपको अप्लाई कर लेना है। अप्लाई करने से देख सकते हैं कुछ इस तरह का आपका वीडियो बन जाएगा और आप सॉन्ग ऐड करके कुछ इस तरह वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। और यहाँ पर डन करके आपको यहाँ पर बस वीडियो पोस्ट कर देना है, आपका वीडियो कंप्लीट हो गया, देख सकते हैं। तो इस तरह का आप भी वीडियो क्रिएट करके अपने वीडियो को वायरल कर सकते हैं। अगर आपको कुछ इसी तरह का एडिटिंग करके बनाना है तो चलिए आगे मैं आपको बता दूँ कैसे आप इस तरह का एडिटिंग करके भी बना सकते हैं। तो इस तरह का अगर आप वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको लाइट मोशन से मैं आपको कुछ इस तरह का वीडियो एडिटिंग दिखाऊँगा। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर लाइट मोशन ऐप इसे ओपन कर लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं मैं इसे ओपन कर लिया हूँ। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर प्लस पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर जो भी आप साइज़ में सेलेक्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं रील्स वाला साइज नहीं, मैं आपको फुल स्क्रीन में दिखाऊंगा। तो आप अगर रील्स वाला बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर 9.16 में कर सकते हैं। तो उसके बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं फुल स्क्रीन में सेलेक्ट कर लिया हूँ और कुछ इस तरह आपको साइज भी एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्रिएट प्रोजेक्ट पर चले जाना है और उसके बाद आपको यहाँ पर फोटो भी ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर मैं फ़ोटो ऐड कर लेता हूँ, कोई भी एक फ़ोटो ऐड कर लेते हैं। टी वाला फ़ोटो मैं ऐड कर लिया हूँ, देख सकते हैं, और इसे मैं फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। फुल स्क्रीन करने के बाद आपको यहाँ पर सॉन्ग भी ऐड कर लेना है। तो यहाँ से मैं वीडियो का ऑडियो कर लेता हूँ, देख सकते हैं ये वाला वीडियो है जिसका मैं ऑडियो एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ और वीडियो को डिलीट कर लेते हैं। उसके बाद आपका फ़ोटो को आपको फुल स्क्रीन फुल लेयर कर लेना है। यहाँ तक सॉन्ग है उसके हिसाब से आपको एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर ये वाले लेयर को आपको फुल कर लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह आपको एक लेयर ले लेना है और कुछ इस तरह आपको फुल कर लेना है। अगर आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, इसे भी आपको फुल कर लेना है। फुल करने के बाद आपको क्या करना है, इसे आपको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपको ब्लेंडिंग में जाके आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह आपको स्किन कर लेना है। उसके बाद आपको देख सकते हैं कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर से वहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है वाले लेयर पर और इफेक्ट में जाके आपको यहाँ पर एड इफेक्ट में चले जाना है और यहाँ से आपको एक इफेक्ट डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पर अदर पर जाके मैं ये ब्लीडिंग वाला इफेक्ट में यूज कर लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर सेटिंग में चले जाना है और कुछ इस तरह आपको इसे हल्का सा बढ़ा लेना है। तो यहाँ पर मैं इतना के करीब बढ़ा लेता हूँ।
इतना रख लेते हैं, कुछ इस तरह आपको एडजस्ट कर लेना, देख सकते हैं कुछ इस तरह का आपका ब्लीडिंग होगा। अगर आप कुछ इस तरह कलर चेंज करना चाहते हैं अलग अलग, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है और कलर में जाना है, और यहाँ पर आपको कलर में चले जाना है, सॉरी बीच वाला कलर में जाना है और हल्का सा आगे लेके चले जाना है, जहाँ पर ये ख़त्म हो रहा है उसको आपको यहाँ पर कीपर सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पर आप कोई भी कलर दे सकते हैं, उसको आप फिर से आगे चले जाना है, हल्का सा आगे चले जाना है और फिर से आपको कीपर सेलेक्ट कर लेना है कुछ इस तरह आपको। उसके बाद आपको कलर चेंज करते रहना है, जो भी आप कलर देना चाहते हैं, तो कुछ इस तरह आपको की आगे लेके जाना है और कुछ इस तरह आपको एडजस्ट करके आप अलग अलग कलर ऐड कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह मैं सारा मैं आपको नहीं करके दिखाऊंगा, काफ़ी टाइम लगेगा। तो कुछ इस तरह आप एडजस्ट करके अलग अलग कलर ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको कलर देना है। तो मैं आपको फटाफट दो तीन कलर ऐड करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी सारा मैं कलर एडजस्ट कर लिया हूँ। तो चलिए मैं आपको वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरह का आपको वीडियो देखने को मिलेगा, देख सकते हैं। तो कुछ इस तरह का आप वीडियो क्रिएट करके कुछ इस तरह आप एडिटिंग भी कर सकते हैं। अगर आपको रील से बनाना है तो आप रील से भी फोटो ऐड करके बना सकते हैं। अगर आप कुछ इसी तरह का वीडियो क्रिएट करेंगे तो आपका भी इस वीडियो 100% वायरल जाएगा। तो चलिए वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक तो जरूर करना, और अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दो भाई, क्योंकि मैं ऐसे न्यू वीडियो लाता रहता हूँ ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर रील से रिलेटेड। तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसे ही मिलेंगे किसी न्यू वीडियो में। तब तक के लिए बाय।